सातवें चरण से पहले सियासी पारा हाई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 1 जून को सभी पार्टी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडिया गठबंधन मतगणना से पहले ही टूट गया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही है, आप खुद सुनिए। इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर लिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है, वो भी 15 में भी चुनाव हो रहा है लगता है, वो भी और सर जगह में चुनाव है, यूपी में भी है, एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन, हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माई प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर, अब माई प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है, लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया, बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती, परंतु जो सच है वह कह चुकी है कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 महीने है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना। सातवें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है, इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं, इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और सातों चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कन्याकुमारी जाने वाले हैं, जहां समुद्र तट पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन तक ध्यान लगाएंगे। खबर के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहकर ध्यान करेंगे। आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी पिछले चुनाव यानी 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम जाकर भोलेनाथ की पूजा करने गए थे और केदारनाथ की गुफा में ध्यान भी लगाया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का मतदान 1 जून को होना है, 30 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाकर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी अपने लंबे और बेहद व्यस्त चुनावी प्रचार के खत्म होने के बाद ध्यान लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि उन्हें प्रकृति की शरण में ही शक्ति मिलती रही है। एक तरफ लालू यादव 1 जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं, अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए मौलानाओं और पीर बाबा की दरगाह पर सजदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटे उनके तेजस्वी यादव
और राहुल गांधी के साथ लंच पार्टी कर रहे हैं और आखिरी चरण से पहले बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीपल समझ चुके हैं, देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। ये नए तरीके की राजनीति है जो अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजन के इस वीडियो के सहारे चल रही है। कभी सभा के बीच, कभी सभा से पहले, कभी सभा के बाद में, तो कभी रेस्ट मोड में। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संतुलित आहार चाहिए, न कम न ज्यादा, एकदम सादा, एकदम संतुलित। यहाँ भी एक बैलेंस कायम है और वो बैलेंस है नियमित अंतराल पर सामने आने वाले ऐसे वीडियो का। कभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी तेजस्वी यादव संतरा खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी चुनावी सभा के बीच केक शेयरिंग होती है, तो कभी राहुल गांधी बहन मीसा भारती के साथ इस तरह भोजन का आनंद लेते हैं और मोदी सरकार के निंदा सुख में डूब जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, मैं नर्वस तो हूँ। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान ले रहे हैं लोग, काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करेंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है, अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। दरअसल सियासत में कोई बात बिना मतलब, बिना आधार के नहीं होती। इन वीडियो के जरिए भी लगातार ऐसे ही मैसेज दिए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकजुट है, कि लंच डिनर वाली ये राजनीति किसको कितना रास आती है। सातवें चरण के लिए तमाम दिग्गज मैदान में हुंकार भर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई सामने आ चुकी है, जग जाहिर हो गई है। इतना ही नहीं, ममता के धर्म ग्रंथों पर दिए बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर है। पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने का फैसला, और अब कांग्रेस पर दिए बयान के बाद ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन के साथ अपने रिश्तों पर संदेह पैदा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया ईरान में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, बोल को कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है, ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया। ममता आखिरी चरण के लिए मैदान में पूरी दम के साथ प्रचार कर रही है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अमर रामायण महाभारत कुरान बाइबल शेष हो जाए ता अमर कहानी पूरोबे ना। आपने सुना, वायरल वीडियो में ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह एक अकल्पनीय बात है कि एक राजनीतिक नेता किसी मन से किसी धर्म की आस्था, धार्मिक पाठ के खत्म होने की बात कह रहा हो। हालांकि बीजेपी ने ममता के बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा
अमित मालवीय ने लिखा कि हिंदू आस्था और धर्म ग्रंथों के प्रति ममता बनर्जी का तिरस्कार जग जाहिर है, लेकिन यह बयान न केवल अल्पसंख्यकों के प्रति ममता बनर्जी के गहरे तिरस्कार बल्कि उनके पाखंड को भी दिखाता है। वो विशेष रूप से मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन चुपचाप चाहती है कि कुरान को मिटा दिया जाए। ममता के वायरल बयान पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सफाई दी। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता की रैली में दिया है, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। तीन तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी। ये तीन तस्वीरें जब आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि कैसे पूर्वोत्तर के इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला। मिजोरम से लेकर आसाम तक हर जगह कुदरत ने कोहरा मचाया। मिजोरम में खदान ढहने से बड़ा हादसा हुआ, तो असम में रिमाल तूफान का खौफनाक असर दिखाई दिया। दो तस्वीर बहरहाल अभी आप देख रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं लगातार। असम की नदियां उफान पर हैं, तीन तस्वीरें भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। सड़कें बह चुकी हैं, लोग परेशान हैं, हलकान हैं। अभी राहत की उम्मीद इस तरह से कही जा रही है कि यह तूफान आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो तूफान निकलता हुआ तबाही के मंजर, तबाही के निशान छोड़ गया, उससे उबरने में वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक बिल्ली का शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया गया, बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। बिल्ली के बर्थडे पर आसपास रहने वाले लोगों को न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया था, और बाकायदा जैसे अपने परिवार के किसी सदस्य की बर्थडे पार्टी होती है वैसा ही सेलिब्रेशन किया गया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए लोग नई नई चीजें करते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में कई लोग जन्मदिन की फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। अब तो लोग अपने पालतू जानवरों का भी जन्मदिन मनाते दिखाई देते हैं। हापुड़ में एक परिवार ने अपनी बिल्ली का धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया। बिल्ली कोको के बर्थडे के लिए खास तैयारियां की गई थी। कोको को बर्थडे कैप भी पहनाई गई, केक पर मोमबत्तियां जलाई गई, बाहर से केक का ऑर्डर दिया गया था, गाना गाकर बर्थडे विश भी किया गया। बाद में कोको को केक खिलाया गया। घर वालों के लिए बेहद ही खास मौका था, जिसके लिए पड़ोस में रहने वाले बच्चों को भी बुलाया गया था। सभी को केक और बिस्किट बांटे गए। मेरी कैट का नाम कोको है और हम इसका हर साल जन्मदिन मनाते हैं, जिससे आज ही 3 साल की हो गई है, और हमें बहुत अच्छा लगता है इसका जन्मदिन मनाना। मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हमने सब पड़ोस के बच्चों को बुलाया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और हम उसकी पसंद की चीजें बनाते हैं और जो उसको पसंद है, और थोड़ी बहुत तो हमें भी पसंद है। कोको का ये तीसरा जन्मदिन था। हर साल उसका ऐसे ही जन्मदिन मनाया जाता है। कोको परिवार का बेहद ही अहम सदस्य बन चुका है, घर वालों का उसके साथ बहुत लगाव है। इस बार भी सभी बच्चों ने कोको के बर्थडे को बेहद खास अंदाज में मनाया। हापुड़ से न्यूज 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट।